हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रंगीतास किचन। रंगीतास किचन चैनल पर आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किचन में आया, बड़ा मसाला आया, ब्रेकफास्ट के बाद देखो लंच बनाया, उसके बाद टेस्टी टेस्टी डिनर बनाया, डिनर के पीछे देखो डेजर्ट लाया। रंगीतास किचन, रंगीतास किचन, रंगीतास किचन, रंगीतास किचन। दोस्तों, आप सभी ने तो काफ़ी सारे हलवा का नाम सुना है और खाया भी है, जैसे गाजर की हलवा, आटे की हलवा, सूजी की हलवा। लेकिन आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की हलवा। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये बनता है मूंग दाल और देसी घी से। और दोस्तों, ये हलवा मुंह में जाते ही एकदम खुल जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मूंग दाल के हलवा। दोस्तों, मूंग दाल के हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक गरम पैन में 200 ग्राम मूंग दाल लेके उसको खुशबू आने तक अच्छे से भूनूंगी। खुशबू आ गया और हल्का सा रोस्ट भी हो गया। अब भुनी हुई मूंग दाल को एक ग्राइंडर जार में लेके एकदम बारीक पाउडर जैसा पीस लूंगी। देखिए दोस्तों, ऐसे पाउडर जैसा पीसना है, बिल्कुल ऐसे, देखिए एकदम बारीक। चलिए अब मैं एक गरम पैन में 4 टेबलस्पून देसी घी ले लेती हूँ। 3, 4, बस। आप चाहे तो हलवा में और भी घी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस घी के अंदर मैं डाल दूंगी पीसी हुई मूंग दाल के पाउडर को और इसको घी के अंदर अच्छे से भून लूंगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से रंगीतास किचन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिया हुआ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि मेरे हर न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। देखिए दोस्तों, मूंग दाल की पाउडर अच्छे से भून गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पहले से भिगोए हुए केसर और दूध को। दोस्तों, अब दूध पूरा सूखने तक इसको एक स्पैचुला की मदद से एकदम धीमी आंच में लगातार चलाना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी आंच में ही रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको सुखाना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी करीब 100 ग्राम चीनी। अब चीनी मेल्ट होने तक और इसमें से घी छोड़ने तक इसको धीमी आंच में पकाऊंगी। देखिए दोस्तों, घी छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिला लूंगी। बस, हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई पिस्ता और बारीक कटी हुई आमंड। बस, अब इन सभी को हलवा के साथ मिला देने के बाद बन गया मेरा टेस्टी टेस्टी और एकदम मुलायम मूंग दाल के हलवा। चलिए अब इसको प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, देख लिया ना कैसे झटपट से बन गया मूंग दाल के हलवा। आप भी इसको घर में बनाइए और सभी के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे।